नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के गंगोह इलाके के दो युवकों की छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग के दौरान मौत हो गई थी। उन्हीं दो युवकों के परिवार वालों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय सहारनपुर के गंगोह पहुंचे। सहारनपुर जाते समय रोहाना टोल प्लाजा पर देवबंद में अजय राय का कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। अजय राय ने बातचीत करते हुए कहा कि उपचुनाव गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। इसके अलावा भाजपा सरकार में जो मॉब लिंच की घटनाएं हो रही हैं वह काफी निंदनीय है और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा। इस पूरी तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे यूपी हो चाहे छत्तीसगढ़ में, ये निश्चित तौर से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन से हटे लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हराएंगे। तो प्रधानमंत्री ने केवल अपनी बात की नहीं, अब उनको जन की बात सुननी पड़ेगी। जनता सड़क पे है, जन की बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की बात उठा रहे, उसको माइक बंद करने से नहीं, आम जनता सड़क पर उतर के बोल रही है, बोलेगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।